हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रमोद ढाका और मेरे साथ है निशांत सर। तो डियर, हम आपके लिए आज इस सेशन में हमारे फिजिक्स की जो गुरु नीति है जेई के लिए, उनका 28वां लेक्चर लेकर आए हैं। इसमें हमने रे ऑप्टिक्स फर्स्ट रखा है। रे ऑप्टिक्स को टोटल दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वाले पार्ट में प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन तक को हमने इंक्लूड किया है, और जो बचा हुआ पोर्शन है कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन, लेंस, प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम लोग सेकेंड वाली गुरु नीति में डील करेंगे। तो चलिए सर, स्टार्ट करें। बिल्कुल सर। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा था, दैट एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर। इफ द मिरर अप्रोचेस द ऑब्जेक्ट एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, देन आफ्टर 6 सेकंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहां पर एक प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट से उसकी डिस्टेंस जो है इनिशियली वो 100 सेंटीमीटर है, and this mirror is approaching in this direction with a speed 5 cm per second. So initially यदि मैं इमेज की बात करूं तो इनिशियली इमेज ऑब्जेक्ट से उतनी ही डिस्टेंस पर होगी मिरर से जितने पर ऑब्जेक्ट है, मतलब ये 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। और 6 सेकंड्स के बाद, 6 सेकंड्स में मिरर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का जो सेपरेशन है that is 70 centimeter from the mirror, so image will be also at 70 centimeter distance, so distance between object and image will be 140 centimeter. अब यदि अपन यहां से बात करें कि प्लेन मिरर के मोशन की वजह से इमेज की वेलोसिटी वाला पार्ट डील करना चाहिए, तो प्लेन मिरर अपने नॉर्मल के अलोंग मूविंग है, तो इमेज जो है वो सेम डायरेक्शन में डबल स्पीड से मूविंग होती है। प्लेन मिरर जितने टाइम में 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके गया, इमेज उतने टाइम में 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन देखें क्या बोला है। टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू वन अनदर एट एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है, प्लेन मिरर M1 और M2 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। M1 पर M2 के पैरेलल ने स्ट्राइक करी है और आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस M1 के पैरेलल हो गई। तो बोला इस सिचुएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए। बेसिक ज्योमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखें, तुम्हें सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, ये अगर 60 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। टोटल ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30। अब इस सरफेस पर अगर रिफ्लेक्शन देखा जाए तो I इक्वल टू R से ये भी 30, तो ये कितना हो जाएगा, 60। सिमिलरली हम इस सरफेस पर भी कर सकते हैं, ये एंगल I है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस I। अब देखो ये ट्राइंगल बन गया, इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो कर दो, तो 60 प्लस 60 120 प्लस 90 माइनस I, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए। तो यहां से I की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई 30 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो यहां पर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें, दैट इफ अ स्फेरिकल मिरर इज इमर्ज्ड इन लिक्विड देन फोकल लेंथ विल बी। कि एक स्फेरिकल मिरर है, इसको अपन ने एक लिक्विड में इमर्ज कर दिया और इसकी फोकल लेंथ पर डिस्कशन करना है। तो यदि अपन किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए फोकल लेंथ डिफाइन करते हैं, फोकल लेंथ वैसे तो पैरेक्सियल रेज के लिए डिफाइन होती है, मतलब ऐसी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और उसके क्लोज। तो जैसे यदि मान लो कि कोई रे यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा है, तो इस वाले केस में जब ये यहां से क्रॉस करती है तो ये डिस्टेंस जो अपने पास आती है, द सेपरेशन इज आर माइनस आर बाई टू कॉस थीटा। रे प्रिंसिपल एक्सिस के जितना क्लोज होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही स्मॉल है। तो पैरेक्सियल रे के लिए अपना एंगल थीटा जो है वो टेंड्स टू 0 डिग्री। थीटा टेंड्स टू, यदि 0 होता तो साइन थीटा इज एप्रोक्सीमेटली थीटा एंड कॉस थीटा इज 1। तो यदि मैं थीटा टेंड्स टू 0 पर फोकल लेंथ की बात करूं, दैट इज r माइनस r / 2 cos थीटा इज एप्रोक्सीमेटली 1, सो द फोकल लेंथ इज r / 2 एंड दिस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। मतलब मीडियम पर फोकल लेंथ डिपेंड नहीं करेगी, आप किसी भी टाइप के मीडियम में उसे इमर्ज कर दें। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ये मिरर के केस में है, लेंस के केस में मीडियम पे डिपेंड करने वाली है पूरी तरह से। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में स्पेशली पढ़ लेना कि भाई किस चीज की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ बॉय ऑफ हाइट 1 मीटर स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है,
ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसके सामने यहाँ एक 1 मीटर हाइट का एक बॉय स्टैंड कर रहा है। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ। तो ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, वो मिरर से कितनी बोली गई है? फोकल लेंथ बोली गई है, ठीक है। और बोला हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट के बारे में बात की गई है। तो एक तो देखते तुरंत कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे रखा हुआ है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, वेरी लार्ज साइज की बनेगी, ऐसा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, इसका फोकस जो होता है वो राइट साइड में होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पर? माइनस एफ। कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ को प्लस में लेंगे। अब करना है क्या है, एक बार तो मिरर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, मैग्निफिकेशन लगाइए, उससे इजीली हमारे पास हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी। तो वही करने वाला हूँ मैं। तो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इमेज की पोजिशन फाइंड करनी है, ऑब्जेक्ट की कितनी दे रखी है एफ, बट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में तो हम साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं, पॉजिटिव। यहाँ जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो पोल से अगर हम देखें तो अपोजिट में आना पड़ेगा, तो u की वैल्यू किस में लेनी पड़ेगी? माइनस में लेनी पड़ेगी, इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से 1/v आ गया हमारे पास 2/f, तो v की वैल्यू आ गई प्लस का f/2। मतलब इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी यहाँ कहीं, ठीक है। अब इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी ये बताएगा मैग्निफिकेशन। तो मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या आता है? -v/u, ठीक है। अब v की वैल्यू कितनी? प्लस का f/2, u की वैल्यू -f, तो मैग्निफिकेशन आ गया हमारे पास प्लस का हाफ। अब साफ साफ हमें दिख रहा है कि मैग्निफिकेशन अगर प्लस में है मतलब इमेज जो है वो इरेक्ट बनेगी और हाफ साइज की होगी, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ ऊपर है तो इमेज भी ऊपर बनेगी, और हाफ साइज मतलब हाफ मीटर की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा था, एन एयर बबल इन अ ग्लास स्लैब इज 6 सेंटीमीटर डीप एज व्यूड फ्रॉम द वन फेस एंड 4 सेंटीमीटर डीप एज व्यूड फ्रॉम द अदर फेस, द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब इज। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक ग्लास स्लैब है अपने पास, उसकी कुछ थिकनेस है और उसमें एक बबल है, एयर बबल। लेट सपोज यहां से उसका डिस्टेंस जो है इधर वाले फेस से d1 है और इधर वाले फेस से d2 है। तो प्लेन सरफेस से यदि अपन रिफ्रेक्शन की बात करते हैं और ऑब्जर्वर यदि एयर में है तो डिस्टेंस नजर आती है d/μ। तो d1/μ इज गिवन एज 6 एंड d2/μ इज गिवन एज 4, तो d1/μ प्लस d2/μ दैट वैल्यू इज 10। d1/μ प्लस d2/μ इज 10। So, यहां से मैं d1 प्लस d2 की बात करूं, दैट वैल्यू कम्स एज 10μ, प्लस μ इज 3/2, सो d1 प्लस d2 दैट वैल्यू कम्स एज 15 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड वन। चलिए सर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स क्वेश्चन में क्या बोला देखो, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड 4 मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर और वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 5/3 दिया हुआ है। द मिनिमम डायमीटर ऑफ अ डिस्क विच शुड बी प्लेस्ड ओवर द सोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर टू कट ऑफ द लाइट, ठीक है। देखो क्या अरेंजमेंट दिया है कि ये हमारे पास वाटर जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 5/3 और इसकी सरफेस से 4 मीटर डेप्थ पर यहां कहीं एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है। अब इस पॉइंट सोर्स से रेज निकलेगी, ठीक है। पॉइंट सोर्स से ये देखो अगर इस तरह से रे आएगी तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0। तो ये बिना डेविएट हुए पास हो जाएगी। अगर किसी स्मॉल एंगल पर आएगी तो यहां पर डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती जाएगी। अगर आई की वैल्यू और इंक्रीज करेंगे और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और ज्यादा बैंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसी तरह से एक बार जब ये क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंस होगी तो उस टाइम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 90। इससे ज्यादा एंगल पर अगर लाइट अब आई तो अब वो एयर में या सेकेंड मीडियम में वहां पर इंटर नहीं कर पाएगी, क्लियर। अब बोला क्या है, हमसे बोला गया है कि हमें यहाँ पर इस वाटर सरफेस पर कितने एरिया की डिस्क रखनी चाहिए जिससे जो है वो लाइट बाहर इमर्ज ना हो। तो सीधी सीधी सी बात ये है कि लाइट जो है केवल इस रीजन में इस डिस्टेंस आर तक जो है इमर्ज कर पा रही है। तो अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं तो टॉप व्यू मुझे कैसा दिखाई देगा कि ऊपर से अगर मैं देख रहा हूं तो ये वाटर सरफेस दिखाई दे रही, ये पॉइंट यहां ले लिया मैंने, तो इधर से आर डिस्टेंस तक, यहां से चारों तरफ आर आर डिस्टेंस तक लाइट जो है कुल मिलाकर पाई आर स्क्वायर एरिया से लाइट बाहर इमर्ज कर सकती है। तो अगर मैं ये पाई आर स्क्वायर एरिया निकाल दूं और इतनी साइज का यहां पर डिस्क रख दूं तो लाइट यहां पर इमर्ज नहीं करने वाली।
तो कुल मिलाकर तुम्हें ये आर फाइंड करना, एरिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो देखें ये हो गया म्यू 5/3, ये 4 मीटर वाला है। स्ट्राइक इंसिडेंट रे जो है वो क्रिटिकल एंगल पे स्ट्राइक हो जाएगी, तो ये आर निकालना है हमें, तो ये भी एंगल सी हो जाएगा। अब यहां से देखो टेन सी की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, टेन सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास आर बाई 4। साइन सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्रिटिकल एंगल, साइन सी हो जाएगा यहां पर 1/5/3 या 3/5, तो एंगल सी कितना है हमारे पास 37 डिग्री। ये आउटपुट कर दो, टेन 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4, तो यहां से हमारे पास रेडियस आ गई, रेडियस कितनी रही होगी 3, और 4 जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 4 मीटर में दिया हुआ है, तो आर भी किसमें आ जाएगा मीटर में, तो एरिया कितना हो जाएगा डिस्क का, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 9 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमसे डिस्क का डायमीटर पूछा गया। अच्छा डायमीटर पूछा है, दैट इज 6। डायमीटर कितना हो जाएगा हमारे पास 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है that a ray of light traveling in air is incident at bathing angle on a slab with variable refractive index and y is equals to k y raised to the power 3/2 plus 1 raised to the power 1/2, where k is 1 and follows path as shown. What is the total deviation produced by the slab when the rays come out? तो इसमें एक्चुअली सिचुएशन कुछ ऐसी है कि लाइट रे जो है यहां पर अपने पास मीडियम है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है, इधर अपने पास एयर है और इधर भी अपने पास एयर है, यहां से लाइट रे इधर से इंसिडेंट हो रही है और इधर से इमर्ज हो रही है। अब यदि मैं यहां से बात करूं कि अपन दो स्लैब लेकर यदि बात करते हैं, जैसे जनरली अपन ये बोलते हैं कि एक लाइट रे यदि यहां से इंसिडेंट हो रही है, बीच में एक स्लैब रखी हुई है, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वेरिएबल नहीं लेके अपन कॉन्स्टेंट लेते हैं, तो यदि ये यहां से आई एंगल पर इंसिडेंट होती है तो इमर्ज जब होगी तो भी आई एंगल पर ही होगी। अब चाहे बीच में मैं 2 स्लैब रख लूं, 3 स्लैब रख लूं, 4 स्लैब रख लूं, एन स्लैब रख लूं, तो एन स्लैब मतलब वेरिएबल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाला केस हो गया, लेकिन इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंस एंगल जो होता है वो सेम होता है। इनके बीच यहां पर ये एक ये वाला डिस्प्लेसमेंट जरूर होता है, बट एंगल जो है उसमें किसी टाइप का कोई डेविएशन नहीं होता है। तो हमारे क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो क्वेश्चन में हमसे एंगुलर डेविएशन पूछा गया है, ये जो शिफ्ट हो रहा है ये शिफ्ट नहीं पूछा गया है, तो हम यहां से ये बोलेंगे कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच किसी टाइप का कोई एंगुलर डेविएशन नहीं होगा। इसके ऊपर जेई एडवांस में कंसेप्ट इस कंसेप्ट के ऊपर मल्टीपल स्लैब वाले पे क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 TIR पे बेस्ड क्वेश्चन है। बोला है इसमें कि सरफेस दे रखी है हमें ग्लास और एयर सरफेस, यहां पर एक वाइट लाइट जो है किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर स्ट्राइक कर रही है, और आई तो फिक्स हो गया। इस कंडीशन में ग्रीन कलर जो है वो जस्ट क्या हुआ है 90 डिग्री पर रिफ्रेक्ट हुआ है, तो बोला है कि बाकी कलर्स के साथ क्या होगा, सेपरेट हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, किसका TIR होगा किसका नहीं होगा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यहां पर इंटरनली रिफ्लेक्टेड देन द इमर्जिंग रे इन कंटेंट्स, ठीक है, किस सरफेस किस कलर का जो है वो बाहर की तरफ TIR नहीं होगा ये पूछा है। अब देखो हमें TIR नहीं कराना, TIR अगर नहीं करवाना है मतलब क्रिटिकल एंगल क्या होना चाहिए, उसका ज्यादा होना चाहिए। अब क्रिटिकल एंगल की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डेंसर मीडियम के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के, मतलब सी अगर ज्यादा चाहिए तो म्यू क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, म्यू कम होना चाहिए मतलब लैम्डा क्या होना चाहिए ज्यादा। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं जिसका लैम्डा ज्यादा है उसके TIR की पॉसिबिलिटी यहां क्या होंगी कम होंगे। और तुम देख सकते हो 7 कलर्स में वेव गिवर में जब ग्रीन का कंप्लीटली वहां पर 90 डिग्री पर रिफ्रेक्शन हुआ है तो इससे ज्यादा जिनका लैम्डा होगा उनका TIR नहीं होगा, मतलब येलो ऑरेंज और रेड ये जो तीनों कलर्स है वो हमारे पास बाहर की तरफ हमें मिल जाएंगे, तो इमर्ज कौन से कलर हो जाएंगे येलो ऑरेंज एंड रेड। ठीक, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 में कहा जा रहा है एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए स्मॉल प्लेन मिरर M1 एंड अ लार्ज कॉन्वेक्स मिरर ऑफ
m2 a focal length f, the distance between O and m1 is x and the distance between m1 and m2 is y. The images of O formed by m1 and m2 coincides, the magnitude of f is. तो इस वाले में यदि अपन बात करें कि यहां पर अपने पास एक प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से x डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, then obviously इमेज जो बनेगी that will be also at a distance x from the mirror. दूसरा यदि मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूं, एक्चुअली यहां पर है ना x माइनस y चूज करेंगे या y माइनस x चूज करेंगे, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है. तो देखो एक चीज तो श्योर है कि कॉन्वेक्स मिरर है और उसके सामने रियल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन द व्हीकल्स. तो यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरे पास ऑब्जेक्ट की होगी x प्लस वाई, u की वैल्यू अपन कहें तो बोल सकते हैं माइनस ऑफ x प्लस वाई. अब मेरे को v के बारे में बोलना है, भाई देखो ये आपका y गिवन था. डायग्राम में कई बार हो सकता है कि क्लियर दिया हुआ भी हो, कई बार क्लियर दिया हुआ नहीं भी हो कि x ज्यादा दिख रहा है या कम दिख रहा है, तो हमें इसके बारे में खुद से सोचना पड़ेगा कि इमेज जो है वो मिरर के दूसरे वाली साइड बनानी पड़ेगी. रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज ही बनेगी, मतलब इमेज किसकी बनेगी, इधर वाली साइड. ये टोटल डिस्टेंस है 2x, यहां से इसको x को तो हटा दो, ये डिस्टेंस बची x, ये वाली y, तो यहां वाला ये जो सेपरेशन मेरे पास बच रहा है, दिस सेपरेशन इज x माइनस y माइनस x और x माइनस y, ये कंफ्यूज करेगा. तो उसके लिए सीधी सी बात ये कि कॉन्वेक्स मिरर है तो वर्चुअल इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनेगी तो पीछे की तरफ रियल ऑब्जेक्ट की. ये भी एक बड़ा ना कंफ्यूजन वाला सा काम होता है, कई बार क्या अपन रियल ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में चीजों को याद कर लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा रियल इमेज फॉर्म, वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, गलत बात है. कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज भी फॉर्म करता है और वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करता है, वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की लोकेशन. यदि रियल है तो वर्चुअल होगी, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में कई बार ये रियल इमेज भी फॉर्म करता है. चलिए तो यहां से बात करें, यू की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई एंड वी की वैल्यू आ गई एक्स माइनस वाई. तो यदि अपन यहां से सोल्व करें इसको, मिरर फॉर्मूला है 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, दैट वैल्यू कम्स एज 1 अपॉन x माइनस y माइनस 1 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू 1 अपॉन f. इसको सोल्व किया तो डिनोमिनेटर कम्स एज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में 2y, दैट इज 1 अपॉन f, देन f कम्स एज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y. दिस विल बी द focal length of the convex mirror. So according to this, the second one is the correct answer. चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, question number 10 की बात करते हैं. 10 question देखिए. A ray incident at an angle 60 degree on a sphere which is made of material having refractive index root 3. Find angle of angle y with the emerging ray deviated. Deviation angle पूछा है, ठीक है. तो यहाँ अगर हम देखें, इस sphere पर ये ray incident हुई है. ये इंसिडेंट डायरेक्शन हो गई हमारे पास, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक है. तो एक डेविएशन तो हमें यहां मिल गया डेल वन का. इसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड सरफेस, यहां पर इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट डायरेक्शन हो गई, रे जो है वो राइट की तरफ डेविएट हुई है, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल टू. नेट डेविएशन की बात करें तो कितना हो जाएगा, डेल वन प्लस डेल टू, ठीक है. तो स्नेल्स लॉ से हम इजीली आर वन और यहां पर आर टू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो लगाते हैं यहां पर स्नेल्स लॉ. तो बाहर क्या है, मीडियम एयर है, अंदर का मीडियम कितना है, रूट थ्री का. तो वन साइन 60 इक्वल टू रूट थ्री साइन आर. तो यहां से ये आ जाएगा हमारे पास रूट थ्री बाई टू इक्वल टू रूट थ्री साइन आर वन. तो साइन आर वन की वैल्यू आ गई हाफ, या बोल दो एंगल आर वन आ गया हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है. तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री. अब देखो ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, तो ये हमारे पास ऐसा ट्राइंगल हो गया जिसकी टू साइड सेम. तो ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30. अब फिर से तुम यहां पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. तो यहां स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट थ्री साइन 30 इक्वल टू वन साइन एंगल ऑफ इमरजेंस, नाम देता हूं मैं इसको ई, साइन ई. तो यहां से साइन ई की वैल्यू आ गई हमारे पास रूट थ्री बाई टू, तो एंगल ई आ गया 60 डिग्री, ठीक है. अब डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं. अब देखो ये एंगल टोटल कितना है, 60, जिसमें से ये कितना हो गया, 30. तो डेविएशन कितना आ गया, ये तो आ गया 30 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक. सेकंड सरफेस के लिए अगर हम देखें,
तो ये एंगल 30, ये एंगल 30 और ये एंगल ऑफ इमरजेंस है 60, तो डेल टू कितना हो जाएगा, यहां पर भी 30 हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, 30 प्लस 30 60 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर फोर्थ ऑप्शन। अच्छा इसमें ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी बना सकते हैं सॉल्यूशन को, जैसे नेक्स्ट पेज पे लेना सर, कि यदि किसी स्पीयर में मैं बात करूं और यदि स्पीयर पर कोई भी लाइट है, यहां से अपने पास आई एंगल पर इंसिडेंट हो रही है और ये एंगल इसका आ रहा है सेकंड वाले पर, ऑब्वियसली नो डाउट कि रेडियस और रेडियस तो आइसोस्केलेस हो गया, आइसोस्केलेस हुआ तो ये भी आर होगा। अब मीडियम इधर और इधर यदि सेम है तो जैसा पिछले वाले केस में अपने पास था तो नो डाउट ये वाला एंगल भी आई होगा। तो यदि मैं यहां से डेविएशन की बात करता हूं, फर्स्ट डेविएशन यहां से अपने पास आई माइनस आर आ जाएगा और सेकेंड डेविएशन भी यहां से अपने पास आई माइनस आर आ जाएगा, तो डायरेक्टली कई बार ये क्वेश्चन मतलब बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, तो इसमें टोटल डेविएशन दैट विल बी टू टाइम्स आई माइनस आर, तो वो स्नेल्स लॉ तो स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा, बट उसके बाद अपन सीधा इसको 60 माइनस 30 दैट वैल्यू कम्स 60 डिग्री। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, a 2 cm diameter coin rests flat on a bottom of a bowl in which the water is 20 cm deep. If the coin is viewed directly from above, what is the apparent diameter? अब यदि इसमें बात करें अपन, तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी है, मान लो कि यहां तक इसमें लिक्विड फील्ड है और यहां पर अपने पास एक कॉइन है, यदि अपन इस कॉइन की इमेज की बात करते हैं ना, वन बाई वन ऊपर से देखें, मैं नियर नॉर्मल व्यू से रिलेटेड ही बात कर रहा हूं, तो यदि ये डिस्टेंस डी है तो इसका हर एक पॉइंट जो है वो मेरे को डी बाई म्यू पर नजर आएगा, मतलब ये कॉइन की इमेज जो है वो मेरे को थोड़ी सी छोटी भी दिखेगी और हर एक पॉइंट की यहां से जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी डी बाई वाई म्यू, मतलब एग्जैक्टली उसके ऊपर नजर आ रहा है। तो डायमीटर की यदि मैं बात करूं, If this is capital D, तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के लिए ही इसके डायमीटर में कोई चेंज नहीं है। तो करेक्ट आंसर की यदि अपन बात करें पिछले क्वेश्चन में, then given diameter था 2 सेंटीमीटर, तो इमेज का डायमीटर भी 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोला है इसमें, अ लाइट रे आई एच इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर M, द मिरर इज रोटेटेड in the direction as shown in the figure by an arrow at frequency 9 by pi hertz. The light reflected by the mirror is received on the wall W at a distance 10 meter from the axis of rotation. When the angle of incidence is 37 degree, the speed of the spot पूछिए, ठीक है, कि क्या बोला है इसमें, कि ये I ray जो है इस पर strike कर रही है, mirror जो है इसकी frequency हमें दे रखी है rotation की 9 by pi hertz. तो इसकी मैं एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेता हूं, वो हो जाएगी 2 पाई एफ 18 रेडियन पर सेकेंड। अब देखो हमें रिजल्ट ऑलरेडी पता है कि मिरर जो है अगर क्लॉकवाइज थीटा रोटेशन करेगा तो ये रिफ्लेक्टेड रे सेम सेंस में क्लॉकवाइज 2 थीटा डबल एंगल से रोटेशन करती है, तो अगर मिरर की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो इस रिफ्लेक्टेड रे की कितनी हो जाएगी, 2 ओमेगा हो जाएगी, क्लियर। अब ये जो पॉइंट है ये वो ब्राइट स्पॉट होगा जो हमें वॉल पे मिलेगा, ये यहां पर मूव करेगा किधर, डाउनवर्ड, तो अगर इस एंगल को मैं थीटा एज्यूम कर लूं तो इधर वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, v cos थीटा, और सर्कुलर के कॉन्सेप्ट से इस डिस्टेंस को अगर r मान लिया जाए तो 2 ओमेगा r इधर वेलोसिटी हमें मिलेगी, तो v cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 2 ओमेगा, और बाकी हमें बस ज्योमेट्री लगा के कैलकुलेट करना है। तो देखो ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इक्वल टू आर से 37, 37 हो गया, तो थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास 53, तो वी कॉस 53 इक्वल टू 2 ओमेगा की वैल्यू 18, अब आर ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, अब देखो ये 37 तो ये 53, ये 10 है तो ये sec के रिलेशन से हमारे पास आ जाएगा 10 sec 53, 10 sec 53 को मैं लिख सकता हूं
अपॉन कॉस 53। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहां से v इक्वल टू आ गया हमारे पास 36 इंटू 10 अपॉन में कॉस 53 का स्क्वायर। कॉस 53 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 3/5। ये आ जाएगा हमारे पास 3/5 का होल स्क्वायर। तो 36 इंटू 10 इंटू 25/9। तो ये आ गए हमारे पास 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से सेकंड ऑप्शन। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कह रहा दैट अ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ एज़ शोन इन द फिगर। व्हिच ऑफ द फिगर शोन इन द फोर ऑप्शंस क्वालिटेटिवली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द इमेज ऑफ द बेंट वायर, द फिगर्स आर नॉट अप टू स्केल। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज जो अपने को बात करनी है, देखिए जैसे f/2 वाले पर यदि अपन बात करेंगे ना, नेक्स्ट मूव करना सर, f/2 वाले पर यदि अपन बात करेंगे तो 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन माइनस ऑफ एफ बाई टू, दैट वैल्यू कम्स एज 1 अपॉन माइनस ऑफ एफ, देन 1 अपॉन v दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ 2/f, इधर आकर प्लस का माइनस 1/f, देन v कम्स एज 1/f, 1/v कम्स एज 1/f, देन v कम्स एज f। मतलब f/2 वाले पॉइंट की इमेज जो है वो तो प्लस f पर बनेगी। अब वो प्लस f पर बनी, इसका मतलब मैग्निफिकेशन जस्ट डबल हो गया। मैग्निफिकेशन इज माइनस v बाई यू, तो v इज f एंड u इज माइनस f बाई टू, सो इट इज 2 टाइम्स, मतलब इमेज जस्ट डबल बनेगी। अब यदि अपन ऑब्जेक्ट को देखें तो ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस से स्टार्ट होकर f/2 पर खत्म हो रहा है, तो f/2 वाला तो f पर आएगा। अब उसके बाद f/2 से f के बीच वाले पार्ट की बात करनी है अपने को, तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट यदि f पर होता है एग्जैक्टली, तब तो अपन इमेज फॉर्मेशन की बात नहीं कर सकते। हम बोलते हैं इनफाइनाइट पर बनेगा, पैरेलल रेस कहां मीट करेंगी, कहीं मीट नहीं करती है। तो हम इस पे जस्ट वो वाला पॉइंट लेते हैं, मैं बिल्कुल इसके ठीक पहले वाले पॉइंट पर डिस्कशन करता हूं, नेक्स्ट मूव करना सर, कि यदि चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं, और हमने कहा ऑब्जेक्ट, मैं इसके जस्ट फोकस से ठीक पहले वाले पॉइंट पर, इधर फोकस है और यहां पर एक छोटी सी डिस्टेंस पहले, वेयर एक्स टेंड्स टू जीरो, तो यू की वैल्यू जो मेरे पास आती है दैट इज माइनस ऑफ एफ माइनस, मतलब थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर फिर अपन उस पॉइंट को डिस्कस करें, तो वैल्यू जो मेरे पास आती है 1 अपॉन v माइनस ऑफ 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन, तो माइनस ऑफ f माइनस x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन f, एंड 1 अपॉन v कम्स एज 1 अपॉन f माइनस x, माइनस में 1 अपॉन f। यहां से सॉल्व करने पर v की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एज f * में f माइनस x, दैट वैल्यू इज x अपॉन f into में f minus x, that is 1 upon v, and v comes as f into f minus x divided by x। यदि अपन इसको देखो, दो चीजों से लेकर सोल्व करते हैं, एक तो फोकस से ठीक पहले और एक फोकस के ठीक बाद, exactly फोकस पर बात नहीं करते। फोकस से ठीक बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है, यदि मैं अब extends to zero put करूंगा तो v will be plus infinity, और फोकस से इधर वाला ऑब्जेक्ट होना तो उसमें f plus x आएगा इसके प्लेस पर, और f plus x आते ही ये डाटा माइनस के साथ आएगा, तो v tends to minus infinity। हमें f minus x पे बात करनी, मतलब हमारी इमेज जो है वो प्लस इंफिनिटी पर है, मतलब इमेज का फॉर्मेशन शुरू हो रहा है f से और प्लस इंफिनिटी की तरफ टेंड है। तो हम यदि इमेज की बात करें भाई, यहां पर जस्ट डबल वाली बन गई, जो f/2 वाली थी वो f plus f पर बन चुकी है, मिरर मेरा यहां है, और बाद वाली जो इमेज है वो उधर प्लस इंफिनिटी से चलती हुई आ रही है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इस इमेज की जो साइज होगी, ऑब्वियसली v जो है वो प्लस इंफिनिटी की तरफ टेंड है, तो मैग्निफिकेशन विल बी वेरी लार्ज, बट इट विल बी पॉजिटिव बिकॉज m इज माइनस ऑफ v बाय u, दिस डाटा इज नेगेटिव, दिस डाटा इज पॉजिटिव, सो m कम्स एज पॉजिटिव, मतलब इमेज जो होगी वो इरेक्ट होगी और साइज बहुत लार्जर होगी और प्लस इंफिनिटी से प्लस f के बीच में होगी। तो यदि अपन यहां से देखें, ऑप्शन में देखें, तो सेकेंड ऑप्शन जो अपना आ रहा है दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बोला इफ द इक्वेशन ऑफ मिरर इज गिवन बाय y इक्वल टू 2 अपॉन पाई sin पाई x, और साथ में y के रीजंस दिए हुए कि y कहां तक वेरी कर रहा है,
y पॉजिटिव है और x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में. देन फाइंड द पॉइंट ऑन व्हिच हॉरिजॉन्टल रे शुड बी इंसिडेंट सो दैट द रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे. अब देखो मिरर जो है वो हमें साइन के कर्व में दिया हुआ है केवल 0 से लेके x की 1 वैल्यू के लिए. ये मिरर गिवन है, ठीक है. और क्या बोला है कि इस पे हॉरिजॉन्टल रे स्ट्राइक किए. अब हॉरिजॉन्टल रे तो ऐसे भी आ सकती है और ऐसे भी आ सकती है. और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या बोला है, रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे. अब यहां से रिफ्लेक्टेड रे ऊपर गई, यहां से भी ऊपर गई, और ये दोनों क्या हो गई है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर. अगर इस पे नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो ये एंगल भी 45 और ये भी 45, सिमिलरली यहां हो जाएगा अरेंजमेंट, ठीक है. अब देखो ये अगर 45 है तो इस कर्व का अगर मैं टेंजेंट की बात करूं तो ये एंगल भी 45, ये भी 45. तो इस कर्व के लिए इस पॉइंट पर जो टेंजेंट आएगा वो कितना आएगा, 10 45, मतलब स्लोप आ गया यहां पर प्लस 1. सिमिलरली यहां पर माइनस 1 हो जाएगा. मतलब ये जो दो पॉइंट्स हैं ये दो वो पॉइंट है जिन पर स्लोप जो मिलेगा हमें वो प्लस माइनस 1 मिलेगा. अब इक्वेशन जो दी है वो कर्व की हमें दी है 2/π sin πx. तो इसका स्लोप निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो स्लोप आ जाएगा हमारे पास dy/dx 2/π π cos πx इक्वल टू प्लस माइनस 1. तो यहां से cos πx की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 1/2, ठीक है. तो इस रीजन में 0 से पाई एंगल के रीजन में x की जो पाई x की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो हमारे पास आएगी एक तो पाई बाई 3 और एक 2π/3. तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/3 और 2/3, ठीक है. तो इन दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट तो हमारे पास आ गए. अब y कोऑर्डिनेट सेम ही है तो कोई भी एक वैल्यू पुट करके यहां से y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. इसकी वैल्यू आएगी 2/π sin पाई इंटू 1/3. तो ये वैल्यू आ गई 2/π पाई बाई 3 रूट 3/3, तो रूट 3/π, ठीक है. तो ये जो पॉइंट्स हमें मिलने वाले हैं वो दो पॉइंट्स कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 1/3 साथ में रूट 3/π, दूसरा हो जाएगा 2/3 रूट 3/π, ठीक है. तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 रूट 3/π और 2/3 रूट 3/π, ठीक है. चलिए सर आगे बढ़ाएं बात को. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है लाइट रे स्ट्राइक ऑन अ मीडियम इंटरफेरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड n2 एज शोन इन द फिगर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस i ग्रेटर देन साइन इनवर्स n2/n1. मतलब ये एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर इंसिडेंट करवा रहा है. नाउ ए स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n3 इज प्लेस्ड In N2 at interface, length of slab is sufficient. Length of slab is sufficient का मतलब ये है कि जैसे मैं इस light ray के लिए ये कभी नहीं मानूंगा कि ये light ray इस वाली slab इधर वाली surface पर incident हो सकती है. इधर वाली surface के लिए अपन उसको नहीं मानकर चल रहे हैं. चलिए सर शुरू करते हैं बात को. मतलब situation कुछ ऐसी है कि यहां पर मैंने एक slab place की है और इस स्लैब का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है n3, ये है n2 और ये है n1. ये जेए के सब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन, एक्चुअली हमने उसको इस फॉर्म में बना लिया है. तो उसमें ये था कि वट एवर बी द वैल्यू ऑफ n3 द लाइट रे विल नेवर इमर्ज इनटू द मीडियम n2. मतलब n3 आप कुछ भी रखो लाइट रे जो है वो मीडियम n2 में नहीं चली. तो हम उसके लिए क्या करते हैं, n3 के कुछ वैल्यूज के रेंज ले लेते हैं. भाई हमें ये पता है कि n2 जो है वो ग्रेटर देन n1 है, सॉरी n2 लेसर देन n1 है. n1 इज द डेंसर मीडियम और n2 इज द रेयरर मीडियम. लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे जा रही, तो n3 की जो पॉसिबल वैल्यूज है इस रेंज में सोचे तो n3 ऐसा हो सकता है कि n1 से लार्जर, n3 ऐसा हो सकता है कि n2 और n1 के बीच का हो, और n3 ऐसा हो सकता है कि n2 से भी स्मॉलर हो. तो हम सबसे पहला वाला केस अपना लेकर चलते हैं दैट द n3 इज ग्रेटर देन n1. तो ग्रेटर देन ऑब्वियसली n2 भी हो गया. अब इस वाले केस में जब हमारी लाइट रे यहां पर इंसिडेंट हुई, देखो यहां पर तो TIR होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है,
क्योंकि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। यहां से लाइट रे किसी एक एंगल आई पर इंसिडेंट हुई, आगे डेंसर मीडियम है तो किसी एक एंगल लेट सपोज थीटा पर गई, यदि ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब मुझे ये सोचना है कि यहां टी आई आर होगा या नहीं होगा। तो एक तो स्नेल्स लॉ यहां लग गया मेरा, दैट एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन थ्री साइन थीटा। तो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू जो आ रही है, दैट साइन थीटा इज एन वन बाई एन थ्री इन टू साइन आई। अब मैंने कहा भाई इस वाले इंटरफेस पे यदि अपन सोचें तो इस वाले इंटरफेस का जो क्रिटिकल एंगल होगा n1 और n3 के लिए, n3 और n2 के लिए, n3 इज अ डेंसर मीडियम तो क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू होगी थीटा c फॉर 3 एंड 2 दैट वैल्यू विल बी साइन इनवर्स n2 बाय n3 या फिर साइन थीटा c 3/3 दैट इज n2 बाय n3। अच्छा जी, और यहां से हमारे साइन थीटा की वैल्यू ये वाली आ रही है, तो देखो साइन आई जो है दैट इज ग्रेटर देन n2 बाय n1, तो n1 बाय n3 इनटू में साइन आई दैट इज ग्रेटर देन n1 बाय n3 इनटू में n2 बाय n3 n2 बाय n1 सॉरी n1 से n1 कैंसिल आउट, मतलब n1 by n3 sin i is greater than n2 by n3, that means this angle theta sin theta is greater than sin theta c for 3/2। मतलब सबसे पहले मैंने ये प्रूफ कर दिया कि यदि ये डेंसर मीडियम होता है, मतलब ये n3 n1 से भी ज्यादा है, तो हमारा ये जो थीटा आ रहा है ये क्रिटिकल है, इस वाले सरफेस के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, दैट मींस देयर विल बी TIR। यहां TIR होगा ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल आई, मतलब लाइट रे जो है वापस से मीडियम n1 में आ जाएगा। तो पहला केस तो अपन ने प्रूव कर दिया कि n3 ग्रेटर हो तो। चलिए अब दूसरे वाले केस की बात करते हैं। तो दूसरे वाले केस में तो फर्स्ट अपन प्रूव कर चुके हैं व्हेन n3 ग्रेटर देन n1। मैं सेकेंड वाले केस में बात करूं कि लेट सपोज n3 जो है वो लेस देन n2, बीच वाले को भी ले लेंगे, यदि n3 लेस देन n2 है, ये n3 ये रेयर मीडियम, यहां से लाइट रे डेंसर मीडियम पर आ रही है, तो इस केस में ये डेंसर ये रेयर, मैं इस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल की बात करता हूं थीटा c 1/3 दैट वैल्यू इज n3 डिवाइडेड बाय n। भाई हमारा n3 जो है वो n2 से छोटा है, इसका मतलब n3 by n1 जो है वो छोटा है n2 by n1 से, इसका मतलब theta c for 1/3 is less than theta c for 2/1। मतलब इसके लिए क्रिटिकल एंगल n1 और n2 वाले क्रिटिकल एंगल से भी लेसर है, और यदि उससे भी लेसर है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो उस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है, भाई हमारा आई जो है वो ग्रेटर है थीटा सी 1/2 से, इसका मतलब ऑब्वियसली आई ग्रेटर है थीटा सी 1/3 से, मतलब देयर विल बी ए TIR, तो लाइट रे डायरेक्टली इधर आ जाएगी। तो ये हमारे दो केसेस हो गए। अब हम तीसरे वाले केस की बात, भाई दो में तो नहीं जा रहे, तीसरा कि व्हाट इफ n3 इज इन बिटवीन n1 एंड n2। चलिए सर वापस से एक दफा कि भाई n3 ग्रेटर देन n1 के लिए प्रूव्ड है, n3 लेसर देन n2 के लिए प्रूव्ड है, थर्ड वाला केस कि व्हाट इफ n3 is in between n2 and n1। अब मैं इसमें ये मान के चलता हूं कि लेट सपोज भाई ये रेयर है ये डेंसर है, हो सकता है TIR हो जाए, मैं मान के चल रहा हूं लेट सपोज नहीं हुआ, हो गया बहुत बढ़िया यही प्रूव हो गया, लेट सपोज नहीं हुआ और ये लाइट रे इधर चली गई, तो रेयर मीडियम में ये वाला एंगल होगा थीटा, तो सिमिलरली ये वाला एंगल भी थीटा, 1 n1 into sin i that value comes as n3 into sin theta, तो sin theta की value मेरे पास आ गई n1 sin i upon n3।
देखिए नो डाउट ये मीडियम N3 वाला N2 के लिए डेंसर की तरह बिहेव करेगा, तो मैं फिर से इनके लिए क्रिटिकल एंगल निकालना चाहूं तो साइन थीटा सी फॉर 3-2 दैट वैल्यू विल बी N2 बाय N3। अच्छा जी, अब हमारा जो गिवन इंफॉर्मेशन है कि साहब साइन आई जो है वो N2 बाय N1 से ज्यादा है, तो N1 बाय N3 इनटू में साइन आई जो है That is greater than N2 by N1 into में N1 by N3। ये वाली वैल्यू जो है वो यहां से किसकी है, साइन थीटा की। मतलब आपका साइन थीटा जो है वो ग्रेटर है N2 by N3 से, मतलब थीटा जो है वो ग्रेटर है थीटा सी फॉर सरफेस 3-2 से। दैट मीन्स इस वाले केस में भी यहां पर TIR होगा, मतलब ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल थीटा वापस से और लाइट रे जो है यहां से अपने पास इमर्जेंट हो जाए। क्लियर, चलिए सर आगे बढ़ाएं बात को नेक्स्ट। तो इसमें यदि करेक्ट ऑप्शंस की यदि अपन बात करना चाहें ना पिछले में 15 में, तो ये इसमें बोल रहा है फर्स्ट वाला दैट इफ N3 ग्रेटर देन N2 लाइट रे विल एंटर इनटू N2, नहीं करेगी। N3 लेस देन N2 लाइट रे विल नेवर एंटर इनटू N2, बिल्कुल सही है। N3 ग्रेटर देन N1 इसके लिए भी नहीं करेगी, बिल्कुल सही है। N3 N2 और N1 के बीच के उसके लिए भी नहीं करेगी, बिल्कुल सही है। सो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस आर द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ -20 cm। एट दिस इंस्टेंट ऑब्जेक्ट इज गिवन अ वेलोसिटी v टुवर्ड्स द एक्सिस, इवेंट 1 में टुवर्ड्स द एक्सिस दी गई है, और परपेंडिकुलर टू एक्सिस इवेंट 2, देन स्पीड ऑफ इमेज की बात की गई। ठीक है, तो पहले तो इसमें मैं मिरर की स्पीड, मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट और इमेज की स्पीड में जो रिलेशन है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास f फोकल लेंथ का मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ अलोंग मूव कर रही है तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी u, और जो भी इमेज बनेगा उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी v। इनमें रिलेशन क्या होता है मिरर फार्मूले से, 1/v + 1/u = 1/f। अब इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते, तो 1/v का डिफरेंशिएशन -1/v² dv/dt, 1/u का हो जाएगा -1/u² du/dt, और फोकल लेंथ कॉन्स्टेंट है मिरर के लिए इसलिए 0 हो जाएगा। तो यहां से dv/dt की वैल्यू आ गई -v² / u² du/dt। अब v और u क्या है सर, u है हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन फ्रॉम पोल, या बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू मिरर, और v है हमारे पास इमेज की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू मिरर। पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या दे देगा, वेलोसिटी। तो बेसिकली ये हमें अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस वेलोसिटीज में रिलेशन आ गया। तो dv/dt क्या होगी, इमेज की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मिरर -v² / u² du/dt हो जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मिरर। अब इस केस में यहां पर मिरर जो है वो रेस्ट पे, इसलिए सीधा सीधा सा रिलेशन जो है मैं ऐसे भी ले सकता हूं कि vi - vm, vm तो 0 है, -v² / u² ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी माइनस मिरर की वेलोसिटी, ये भी यहां 0 है, तो इमेज की वेलोसिटी आ जाएगी -v² / u² ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। ये तो रिलेशन कब आता है, जब हम अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस बात करें। अगर परपेंडिकुलर में बात की जाए कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करे, तो यहां मैग्निफिकेशन का रिलेशन काम में ले सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू होती है हमारे पास मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इनका अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाए dhi/dt, तो ये हो जाएगा m dh0/dt। तो यहां से रिलेशन आ गया हमारे पास इमेज की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू m ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मिरर। तो सेम रिलेशन मिरर रेस्ट पे, तो vi इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास m v। तो ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस रिलेशन, और ये आ गया अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रिलेशन। अब बस इन रिलेशंस को काम में लेने वाला हूं मैं इस क्वेश्चंस के लिए। तो अलोंग तो आया है -v² / u² v नॉट, और परपेंडिकुलर में आया है vi इक्वल टू
मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है इसमें, ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है और मिरर के पोल से 30 सेंटीमीटर पे है, मतलब यू की वैल्यू कितनी हो गई -30 और फोकल लेंथ जो दी है वो है -20 सेंटीमीटर कॉनकेव के लिए, ठीक है। तो यहां से मैं वी की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, मिरर फॉर्मूला से 1/v + 1/u = 1/f, तो यहां से 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/30 - 1/20, तो आ जाएगा -10/600, तो v की वैल्यू आ जाएगी -60, ठीक। अब देखो फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v बताई गई है, तो सीधा रिलेशन को काम में लेके मैं वैल्यू फाइंड कर सकता हूं यहां से। तो इमेज की वेलोसिटी फर्स्ट केस में क्या हो जाएगी, v अपॉन u की वैल्यू तो क्या आ गई, v अपॉन u की वैल्यू आ जाएगी -60, अपॉन u की वैल्यू थी -30, तो v अपॉन u तो आ गया 2। तो जब हम अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस बात करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर (v), तो ये आ गई 4v, और परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस बात करेंगे तो ये हो जाएगी 2v, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं जरा, बोला इन इवेंट वन वेलोसिटी ऑफ इमेजेस 2v, तो इवेंट वन में तो कितनी आई थी हमारे पास 4v, तो ये तो रॉन्ग हो गया, सो इन इवेंट वन इज 4v, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इवेंट टू की अगर देखें तो 2v, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 2 and 3। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोल रहा है दैट ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ साइड डी मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 इज इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, ए रे इज इंसिडेंट ऑन द फेस AB एट एन एंगल थीटा, द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट पॉइंट E ऑन द सरफेस ABC। इसके लिए अपने को नेसेसरी कंडीशन फाइंड आउट करके बतलानी है, ठीक है सर। देखिए सिचुएशन एक्चुअली कुछ ऐसी है कि इधर अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वाला एंगल थीटा है, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, इधर म्यू 1 है, इधर मेरे पास म्यू 1 है और इसका इनसाइड में म्यू 2 है। एक लाइट रे यहां पर एंटर हुई और मुझे यह चाहिए कि यहां पर TIR हो जाना चाहिए, यहां पर TIR हो जाना चाहिए। तो लेट सपोज दिस एंगल इज फाई, इसका मतलब मेरा साइन फाई जो है दैट इज ग्रेटर देन म्यू 1 बाई म्यू 2, साइन फाई इससे ग्रेटर है। यदि ये वाला एंगल फाई है तो ये वाला हो गया 90 - फाई। अच्छा साइन फाई यदि इससे ग्रेटर है तो कोस फाई जो होगा दैट विल बी लेस देन अंडर रूट μ2² - μ1² डिवाइडेड बाय μ2। आई थिंक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इस रूल से तो जानकार है, साइन फाई ग्रेटर होता है तो कोस फाई लेसर होता है। वैसे भी साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई 1 अप्लाई करके भी अपन इस बात को बोल सकते हैं, कोस फाई इससे लेसर है। अब मैं यहां पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देता हूं, जैसे ही यहां स्नेल्स लॉ लगाया μ1 (sin θ) दैट वैल्यू कम्स एज μ2 (sin 90 - φ) दैट इज कोस फाई। तो μ1 (sin θ) डिवाइडेड बाय μ2 दैट इज कोस फाई एंड दैट वैल्यू इज लेस देन अंडर रूट ऑफ μ2² - μ1² डिवाइडेड बाई μ2 से μ2 सही हो गया, यहां से आपका साइन थीटा लेस देन आ गया अंडर रूट में μ2² - μ1² डिवाइडेड बाई μ1, मतलब साइन थीटा जो है दैट इज लेस देन अंडर रूट ऑफ μ2 / μ1² - 1। चलिए सर ऑप्शन की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें बस इधर ले आए थीटा साइन इनवर्स में आ गया, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कह रहे हैं। An object is moving in front of mirror as shown in figure. Plane mirror दे रखा है, object और mirror की velocity दे रखी है और image की velocity के बारे में सारी चीजें पूछी गई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें plane mirror के लिए, ये plane mirror, इसके सामने एक object mirror से distance r पर, तो image भी जो है वो कितने distance पर बनेगी r पर। अगर मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन वेक्टर लिखा जाए तो क्या लिखा जाए, यहां पर आप ओरिजिन मान लो, तो ये इमेज का पोजीशन वेक्टर हो गया और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर। हम अगर साफ साफ देखें तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों के पोजीशन वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड तो सेम है और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, मतलब मैं कह सकता हूं पोजिशन ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस
पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। अब अगर डिफरेंशिएशन कर दिया जाए पोजिशन का तो वेलोसिटी में रिलेशन मिल जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये आ जाएगा हमारे पास वी आई एम इक्वल टू माइनस वी नॉट एम। तो यहां से इमेज की वेलोसिटी माइनस मिरर की वेलोसिटी इक्वल टू माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी माइनस मिरर की वेलोसिटी, तो इमेज की वेलोसिटी आ जाएगी यहां से 2vm माइनस v। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो हमें क्या गिवन किया है यहां पर ऑब्जेक्ट और मिरर की वेलोसिटी गिवन कर रखी है, तो सीधा हम फॉर्मूला ये अप्लाई करके रिलेशन अप्लाई करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इमेज की वेलोसिटी क्या है हमारे पास 2vm माइनस v। अब देखो फर्स्ट की बात करते हैं, यहां अगर तुम देखो तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की मिरर की वेलोसिटी कितनी है 9i कैप, अगर राइट साइड में मैं आई कैप अज्यूम कर लूं तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है माइनस टू आई कैप, तो इमेज की वेलोसिटी क्या आएगी, ये आएगी टू टाइम्स मिरर की वेलोसिटी माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो ये हो गया हमारे पास 18 प्लस टू 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मिरर जो है वो आगे की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से मूव करने वाला। चलिए अब देखो क्या बोला स्पीड ऑफ द इमेज, तो स्पीड ऑफ द इमेज तो कितनी हो जाएगी 20, तो बी हो जाएगा इसमें। सेकंड क्या बोला है स्पीड ऑफ द इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, इमेज की वेलोसिटी पूछी है विद रेस्पेक्ट टू मिरर, तो ये इमेज की वेलोसिटी ये मिरर की वेलोसिटी, तो इमेज की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मिरर क्या हो जाएगी वी आई एम, ये हो जाएगी वी आई माइनस वी एम, मतलब 20 माइनस 9 कितना आ जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें आंसर सी। थर्ड क्या पूछा है स्पीड ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में पूछी है, तो ये इमेज की वेलोसिटी पता है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता है, तो इमेज की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी वी आई माइनस वी ऑब्जेक्ट, वी आई कितना है 20, वी और कितना है माइनस 2, तो ये आ जाएगा 20 माइनस ऑफ माइनस 2 22 मीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। लास्ट पूछा है स्पीड ऑफ द इमेज इफ मिरर इज स्टॉप, अगर मिरर को हम स्टॉप कर दे तो स्पीड क्या हो जाएगी इमेज की, तो इस फॉर्मूले में सीधा Vm की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 0, तो Vi की वैल्यू सीधा माइनस V0 के इक्वल आ जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट अगर पीछे 2 से जा रहा है तो इमेज आगे जाएगा 2 से, तो आंसर हो जाएगा यहां पर ए। ठीक है, चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है प्लेन मिरर्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर एज शोन इन द कॉलम फर्स्ट एंड द नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्मड बाय द कॉम्बिनेशंस आर इन द कॉलम सेकंड मैच द फॉलोइंग्स, मतलब कुछ अरेंजमेंट्स दिए गए हैं पर अपने को ये बताना है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी। देखिए यदि मैं पहले वाले केस में बात करता हूं तो दो प्लेन मिरर हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, तो इस केस में अपने को ऑब्वियसली पता है कि नंबर ऑफ इमेजेस जो इनफिनाइट होती है, अपना मेन कंसर्न क्यू आर और एस को लेकर। चलिए सर आगे बात करते हैं, सबसे पहले क्यू को लेकर बात करते हैं, तो क्यू अपने को क्यू का डायग्राम जो है कुछ ऐसा है कि यहां पर एक प्लेन मिरर है, यहां ऑब्जेक्ट है और दूसरा प्लेन मिरर बैक करना है, ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने है 2a, ये 2x, दिस डिस्टेंस इज 2a, अच्छा यहां मिरर है और वो भी 2x डिस्टेंस पर नीचे की ओर। चलिए सर ठीक है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है। यदि अपन इसमें ये डिस्टेंस अपने को a दी गई है और ये डिस्टेंस दी गई है x, यदि मैं ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट होने वाली रे की बात करता हूं यहां पर, बैक करना सर एक बार, ठीक है ये डिस्टेंस 2a, तो ये a और ये 2x। अब एक रे जो यहां से इस वाले मिरर पर इंसिडेंट हो रही है वो रे रिफ्लेक्ट होकर इस वाली डायरेक्शन में जाएगी, तो मतलब इस मिरर से जो इमेज बन रही है उसकी इमेज दोबारा इस मिरर से फॉर्म नहीं होने वाली। दूसरा यदि मैं इसके रिगार्डिंग बात करता हूं, ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस है x, ये 2x,
यदि मैं यहां से किसी इंसिडेंट रे को लेकर बात करता हूं तो ऑब्वियसली ये वाली जो रे है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इस वाले मिरर के इस वाले पॉइंट पर इंसिडेंट होगी, क्योंकि सेपरेशन जस्ट डबल, ये डिस्टेंस भी जस्ट डबल है, 2x लग नहीं रहा ना, फील सी नहीं आ रही, थोड़ा सा और नीचे होता तो थोड़ा फील आ जाता। बाकी रे डायग्राम से यदि अपन बात करेंगे तो यहां पर जो आने वाली रे है इस वाले मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस वाले मिरर पर इंसिडेंट होगी, मतलब इस वाले मिरर से यदि इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी तो वो इस मिरर के लिए फिर ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए एक इमेज तो इसने बनाई जिसका इसके ऊपर कोई रिफ्लेक्टेड रे नहीं आ रहा है तो कोई इमेज नहीं बनेगी। इस वाले मिरर से इसने इस ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्टेड रे इस वाले पर इंसिडेंट हुई, मतलब एक इमेज तो खुद ने बनाई और एक इसकी इमेज की इसने भी इमेज बनाई, मतलब टोटल नंबर ऑफ इमेजेस की बात करें तो थ्री इज द करेक्ट आंसर। तो P के लिए तो अपन इनफाइनाइट बोलेंगे, Q के लिए बात करेंगे तो B अपने पास आ जाएगा, 3 इज द करेक्ट आंसर। यदि मैं इस वाले में बात करता हूं ना तो देखो इस वाले में जो इधर से इंसिडेंट होने वाली रे है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर जाएगी और इस पर जो इंसिडेंट होने वाली रे है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर जाएगी, मतलब ये मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहा है लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज इस पर नहीं गिर रही। सिमिलरली ये मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहा पर रिफ्लेक्टेड रेज इस पर नहीं गिर रही है, इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट की एक एज इमेज बनाएंगे। तो इस वाले केस में नंबर ऑफ इमेजेस आ रहे टू। चलिए लास्ट वाले केस के रिगार्डिंग अपन बात करें, लास्ट वाले केस में जैसे ऑब्जेक्ट है यहां, यदि मैं इस मिरर का नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो वो नॉर्मल जाएगा कुछ ऐसा, ये 30 ये वाला 90, तो यहां जो रे इंसिडेंट हो रही है उसके लिए मैं कहूंगा कि इंसिडेंस एंगल 60 डिग्री है, इंसिडेंस एंगल 60 डिग्री है तो नो डाउट और रिफ्लेक्शन एंगल भी 60 डिग्री होगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट से जो इस मिरर पर रेज गिर रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पर नहीं आ रही है, तो भाई ये अपनी एक इमेज बनाएगा और कोई नहीं बनाएगा। फिर उसके बाद यदि मैं इस वाले मिरर का नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो ऑब्जेक्ट से आने वाली रे वापस से इसमें से भी ऐसे चली जाएंगी 60 डिग्री पर, मतलब इससे रिफ्लेक्टेड रेज इस पर नहीं जा रही और इससे रिफ्लेक्टेड रेज इस पर नहीं जा रही और दोनों मिरर एक एक इमेज फॉर्म कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस आ इसमें भी 2 हो जा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पी के रिगार्डिंग अपन बात करेंगे डी, क्यू के रिगार्डिंग बी, आर के रिगार्डिंग ए और एस के रिगार्डिंग ए हो जाए, दे आर द करेक्ट आंसर्स। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। पहली देख अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस इज प्लेस, कि हमारे पास एक पॉइंट सोर्स एस दे रखा है एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर ऑफ विड्थ 20 सेंटीमीटर, मिरर की जो विड्थ है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मिरर से 10 सेंटीमीटर पे, और यहां पर एक स्क्रीन है जो कि 20 सेंटीमीटर पे है मिरर से। अब आगे क्या बोला है इसने, एन इंसेक्ट वॉक्स विद अ स्पीड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द मिरर एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट एज शोन इन फिगर, फाइंड द मैक्सिमम टाइम ड्यूरिंग विच द इंसेक्ट कैन सी द इमेज ऑफ द सोर्स। ठीक है, तो ये यहां पर मिरर दिया हुआ है हमें 20 सेंटीमीटर विड्थ का, इसके ठीक सामने यहां सोर्स हो गया 10 सेंटीमीटर पे और इससे 20 सेंटीमीटर पर यहां एक स्क्रीन हो गया। अब यहां एक इंसेक्ट है जो इस पर मूव कर रहा है, स्पीड उसकी दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। बोला है कि ये इंसेक्ट इस वॉल पे जब चलेगा तो कितने टाइम तक इस सोर्स की इमेज देख सकेगा। ठीक है, तो ये फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, पहले तो इसका फील्ड ऑफ व्यू बना लेते हैं हम कि किस किस रीजन में इस वॉल पर हम सोर्स को देख सकते हैं। तो देखो इस सोर्स से लाइट निकलेगी यहां और रिफ्लेक्ट होके इधर पहुंचेगी, तो अगर हम एक्सट्रीम पोजिशन इसकी अगर देखें एक्सट्रीम पोजिशन की अगर बात करें तो सोर्स से मैक्सिमम यहां से रिफ्लेक्शन हो सकता है ऊपर और यहां तक नहीं पहुंच सकती, नीचे की तरफ यहां तक पहुंच सकती है, तो ये वो रीजन है जिसमें रिफ्लेक्टेड रे सोर्स की पहुंचेंगी, मतलब इस सोर्स की इमेज भी केवल इसी रीजन में दिखेगी। तो अगर हम ये डिस्टेंस डी फाइंड कर लें तो इजीली हमारे पास टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस पता है स्पीड पता है तो डिस्टेंस अपन स्पीड से टाइम आ जाएगा, तो बेसिक ज्योमेट्री लगा के हमें डी फाइंड करना। देखो इन रेंज को अगर पीछे एक्सटेंड किया जाए तो यहां इस
सोर्स ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। ये डिस्टेंस 10 है तो ये भी कितनी होगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब देखो ये स्मॉल ट्राइंगल और ये लार्ज ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा सेम होगा। तो अगर हम बात करें तो इसके लिए परपेंडिकुलर कितना हो गया 10, इसके लिए कितना हो जाएगा 30। तो परपेंडिकुलर्स का रेशियो ठीक है, इसके लिए बेस की बात करते 20, इसके लिए बेस हो जाएगा डी, तो बेस का रेशियो सेम होगा। तो यहां से डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 सेंटीमीटर। तो इस वॉल पर वो 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है जिसमें हम जिसमें जो इंसेक्ट है वो उसकी इमेज को देख सकता है। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 60 सेंटीमीटर अपॉन स्पीड भी सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखी है तो टाइम आ जाएगा यहां से 6 सेकंड तक जो है इंसेक्ट इमेज को देख सकता है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया था एन यू शेप्ड वायर इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉनकेव मिरर हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द इमेज। ठीक है सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो फोकल लेंथ -10। चलिए यहां से आगे शुरू करें। सिचुएशन कुछ इस टाइप की है कि यहां पर मेरे पास एक कर्व्ड मिरर, यहां अपने पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट की ये वाली जो हाइट अपने को गिवन है डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ठीक है ये 30 सेंटीमीटर, नेक्स्ट पेज पे ले लो सर, ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर है। यदि मैं इमेज फॉर्मेशन की बात करूं तो दो पॉइंट मैं ले लेता हूं इसमें कि एक तो इस वाले पॉइंट के रिगार्डिंग बात कर ले और एक इस वाले के लिए। फोकल लेंथ अपने पास आ गई -10, तो मैं कहूं u1 -30 लेकर सोल्व करूं तो 1/v1 -1/30 दैट वैल्यू कम्स एज -1/10, सो 3/10 1/10 2/30 बोले तो v1 कम्स एज -15 सेंटीमीटर। सिमिलरली v2 को लेकर बात करूं तो 1/v2 -1/40 इज इक्वल्स टू -1/10 1/40 4/40 3/40 v2 कम्स एज -40/3 सेंटीमीटर। यदि मैं वन और टू पॉइंट जो है वो ये बिल्कुल, यदि मैं यहां पर मैग्निफिकेशन निकालना चाहूं तो m1 की वैल्यू जो मेरे पास आएगी दैट विल बी -15 डिवाइडेड बाय -30, सो दिस वैल्यू कम्स एज -1/2। और इस वाले केस में m2 निकालना चाहूं दैट इज -40/3 डिवाइडेड बाय -40, सो इट इज -1/3। मतलब इस वाले पॉइंट की इमेज जो है वो यहां पर 15 सेंटीमीटर पर बनेगी और हाफ बनेगी तो ये 5 सेंटीमीटर गया मेरे पास। दूसरा वाला जो है वो -40/3 15 से भी कम का डाटा है और यहां पर इमेज बनेगी इसकी दूसरे वाले की 40/3 पर, ये 40/3 ये था मेरे पास 15 और ये है 40/3, दैट मीन्स दिस सेपरेशन इज 5/3, ये अपने पास 5 आई गई। अच्छा यहां पर मैग्निफिकेशन 1/3 है, इसका मतलब ये वाली जो इमेज बनेगी ये बनेगी 10/3 की। मेरे को टोटल लेंथ ऑफ इमेज बताना है तो ये तो मेरे पास 5 है, ये 5/3 है, ये 10/3 है, तो द टोटल लेंथ ऑफ द इमेज इज 5 + 5/3 +10/3 दैट इज 15/3 5 + 15/3 5, टोटल लेंथ ऑफ द इमेज दैट विल कम्स एज 10 सेंटीमीटर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 22 में क्या बोला, देखो द इमेज ऑफ पॉइंट पी व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्लैब। ठीक है, स्लैब्स की बेस जो शिफ्ट होता है उसके ऊपर क्वेश्चन है हमारे पास, तो हमें पता है कि ये अगर स्लैब ले ले हम किसी थिकनेस टी की जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एयर में अगर इसको रखा जाए, यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट जो है किसी डेल्टा से शिफ्ट हो जाती है डेल्टा डिस्टेंस से, और इस डेल्टा की वैल्यू आती है हमारे पास टी 1 - 1/u। ठीक है, अब यहां पर जो स्लैब दे रखी है उसकी थिकनेस दे रखी है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कितना है 1.5, तो यहां से जो रे आएंगी वो इसकी वजह से भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी डेल वन और इसकी वजह से भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी डेल टू। ठीक है, तो टोटल शिफ्ट कितने का मिलेगा हमें, टोटल शिफ्ट मिलेगा डेल वन प्लस डेल टू,
इसकी वजह से शिफ्ट कितना आएगा 1.5 1 माइनस 1 अपॉन बी मतलब 3 बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन म्यू, सेम वैल्यू यहां पर आएगी 1.5 1 माइनस 2 बाई 3, तो ये कितना हो गया हमारे पास 1 बाई 3 0.5 प्लस 0.5 दैट इज 1 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 1 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट की अगर यहां से अगर मैं हाइट देखूं तो टोटल कितनी है 1.5 1.5 1.5 n2, ठीक है टोटल तो ये हो गई, और शिफ्ट कितने का मिलेगा हमें टोटल 1 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो यहां दिखने की बजाय ऊपर यहां कहीं दिखेगा P से 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ, ठीक है। यहां से बात करें तो टोटल है 6.5 माइनस में 1 दैट वैल्यू कम्स 5.5 सेंटीमीटर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है दैट कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, द बॉटम ऑफ द पॉट इज रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर, एस इज अ स्मॉल फिश एंड टी इज अ ह्यूमन आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज म्यू, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ विल द आई सी द इमेज ऑफ आई, मतलब आई को खुद की इमेज जो है वो कितने डिस्टेंस पर नजर आएगी। चलिए सर इसके लिए बात करें आगे, देखिए सिचुएशन एक्चुअली कुछ इस टाइप की है, जैसे ये प्लेन सरफेस है और मान लो यहां पर मेरे पास आई है, ये वाली जो डिस्टेंस मेरे को गिवन है, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज h, तो यदि मैं यहां पर कोई ऑब्जर्वर बिठाता हूं, वो ऑब्जर्वर के लिए सबसे पहले ये जो लाइट रेज आ रही होंगी, ये लाइट रे कुछ इस टाइप से आ रही होंगी, इस ऑब्जर्वर को ये जो ऑब्जेक्ट है ये पीछे की डायरेक्शन में म्यू एच डिस्टेंस पर नजर आता है, अपन लिक्विड और एयर के इंटरफेस के रिलेटेड बात कर रहे हैं, फिर ये इमेज जो है ये लाइट रे जो है ये यहां पर प्लेन मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, तो प्लेन मिरर को ऑब्जेक्ट जो नजर आएगा वो नजर आएगा म्यू एच प्लस एच डिस्टेंस पर, तो ऑब्वियसली प्लेन मिरर जो है वो उसी टाइप से जिस एंगल पर रे इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल पर उसे वापस रिफ्लेक्ट कर देगा, एक रे यहां जो नॉर्मल वाली आ रही थी और एक रे यहां पर, तो यहां पर इसने बैकवर्ड डायरेक्शन में इमेज बना दी और वो इमेज बन गई अपने पास h प्लस म्यू एच डिस्टेंस। मैंने क्या किया, दो ऑब्जर्वर बिठाया, एक तो जस्ट इनसाइड द इंटरफेस उसको आई दिखाई कि भाई कितनी डिस्टेंस पर नजर आ रही, फिर दूसरा ऑब्जर्वर अपन ने प्लेन मिरर पर बिठाया पहले ऑब्जर्वर से एच डिस्टेंस आगे, तो जितना उस ऑब्जर्वर को नजर आ रहा है उतना ही प्लेन मिरर को नजर आ रहा है, तो प्लेन मिरर ने उतने पर इमेज बनाया। अब ये जो लाइट रे है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो यदि मैं इस लाइट रे की बात करूं तो इस लाइट रे की यहां से जो डिस्टेंस है इस लाइट रे की, यदि मैं यहां से डिस्टेंस की बात करूं भाई, ये अपने पास h प्लस म्यू एच डिस्टेंस पर, ये h है तो ये नजर आया 2h प्लस म्यू एच, 2h प्लस म्यू एच पर, तो ये इमेज जो बनेगी यहां वाले ऑब्जर्वर के लिए, यहां वाले ऑब्जर्वर को ये डिस्टेंस जो नजर आएगी ना कुछ इस टाइप से ये वाली, एंड दिस डिस्टेंस विल बी d डिवाइडेड बाई म्यू, बोला जाए तो 2h बाई म्यू प्लस h। अब इमेज देखनी है किसको, i को, तो i के लिए ये सेपरेशन h और ये वाला 2h बाई म्यू प्लस h, तो the total separation between object and image that will be 2h प्लस में 2h बाई म्यू प्लस में h प्लस में h, that value comes as 2h, तो अपन ने कॉमन डाला that is 1 प्लस 1 बाई म्यू। बस इसमें इस रे डायग्राम का ध्यान रखना है क्योंकि इसमें कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं जैसे वो डायग्राम में फिश बनी हुई थी, फिश को कहां दिखता है, उस ऑब्जर्वर को कहां दिखता है, तो उनसे रिगार्डिंग बातों का ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, द लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन फेस ए बी, इस ए बी फेस पर लाइट जो है वो नॉर्मल स्ट्राइक की है, अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू इज प्लेस्ड ऑन फेस ए सी, ये जो लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बोला गया है, द प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, प्रिज्म का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, द लिमिट ऑफ म्यू फॉर विच TIR happens on face AC, हमें क्या कराना है AC फेस पर TIR कराना, तो उसके लिए म्यू की रेंज बोली गई,
अब देखो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, तो ये तो सीधी निकल गई यहां पर। ये सरफेस पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई, ये 90, ये 60, तो ये कितना 30, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 60 आ गई। अगर ये एंगल आई इस सरफेस के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो टी आई आर हो जाएगा हमारे पास। राम से पूछा है म्यू की रेंज के बारे में, जो रिफ्लेक्शन टी आई आर करवाना है। ठीक है, अब देखो तो यहां से साइन ले लेते दोनों तरफ, तो साइन आई की वैल्यू ग्रेट दें साइन, साइन आई साइन 60 रूट 3/2 हो जाएगा, ग्रेट देन साइन सी, सी साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू अपॉन 3/2। तो म्यू की जो वैल्यू है हमारे पास वो कम होनी चाहिए 3√3/4। ठीक है, म्यू अगर 3√3/4 से कम होगा तो यहां पर टी आई आर हो जाएगा। ओके डियर, तो इस सेशन में हमारी तरफ से इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में जिसमें अपन रे ऑप्टिक्स के सेकेंड वाले पार्ट में। चलिए ठीक सर, ओके डियर, गुड बाय।